चलिए आज के सेशन में सबसे पहले शुरुआत में ही जो इसी भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं राज मैंने उनको मना भी किया था लेकिन नहीं माने आऊंगा ही मैं तो और सही बात यह कि जयपुर आके उन्होंने कहा कि साहब मैं तो आ गया हूं अब कि इनका मन है आई गई है बल्कि मैं ये चाह रहा था कि एक कार्यक्रम रखें और उसमें उस कार्यक्रम में आप सभी रहें उसी में सभी को बुलाया जाए तो आपके बीच में ही मैं जानकारी दे दूं कि जोधपुर जिले से गजेंद्र सिंह जी जिनकी इस बार 20वीं रैंक है और आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित भी कर लेता हूं, गजेंद्र जी मंच पे आ जाएं। और शायद आप बहुत सी जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियों में थोड़ा इधर हाँ परिस्थितियों से विद्यार्थी जब आपके सामने आएंगे शायद आपको समझ में भी आए हर परिस्थिति का विद्यार्थी यदि अथक प्रयास करता है तो सफलता हासिल कर सकता है पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये लैब असिस्टेंट में पहले कार्यरत हैं और मेरे कॉलेज एजुकेशन के अंदर और शुरुआत में सबसे पहले बात आई थी तो फर्स्ट में इन्होंने एक कागज पे लिख के मेरे को एप्लीकेशन डाली थी आज वो जब चीज़ें हो गई इन्होंने फिर कुछ वादे भी किए इन्होंने कहा कि साहब मेरी ये स्थितियाँ हैं और ये परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और मैं किस तरीके से कैसे तैयारी कर सकता हूँ लेकिन इनकी बातों से जो वादे थे ना मैं जब आपने देखा कि फर्स्ट ट्रैंक मुकेश चौधरी जी आए तो बहुत से विद्यार्थियों का साहब अगली बार तो मैं लेके आऊँगा जो ऐसा जुनून और जो कमिटमेंट देखा था वो कमिटमेंट इनकी बातों में उस समय था मेरी व्हाट्सएप के ऊपर सब चैट है इनकी कब क्या कहा था ये भी ध्यान है और ऑल राजस्थान में बीसवीं रैंक लाने की स्थिति में और आप देख रहे हो तो बीसवीं रैंक अपन कहें कि कोई कम रैंक नहीं है बहुत अच्छी रैंक है टॉप तो जो अपन कहें बीस तीस चालीस रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है फिर भी कह रहे हैं कि जो मैंने जो वादा किया था वो वादा मैं पूरे ढंग से निभा नहीं पाया हालांकि मेरे को ये अपेक्षा थी कि अंडर हंड्रेड में आएंगे लेकिन ये बीसवीं रैंक पे आए तो पहले तो मैं आप सब की तरफ से अभिव्यक्ति संस्थान की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं गजेंद्र जी मूल रूप से बिलाड़ा से हैं हाँ पीपाड़ पीपाड़ से हैं और इनके पिताजी नहीं हैं, पहले ही शांत हो गए हैं माताजी हैं किस रूप में एक सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में कैसे तैयारी की है और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर में जो कुछ मटेरियल था अपने स्तर पे तैयारी करके और क्योंकि इनकी स्थितियाँ ही नहीं थी पढ़ने की जो भी हमने कहा कि भाई हमारे संस्थान से जितनी मदद हो सकती है हम मदद कर सकते हैं और उसी मदद के तौर पे हमने इनको कोर्स के माध्यम से और तैयारी करवाई है और तैयारी किस रूप में की यह तो ये स्वयं ही बताएंगे लेकिन ये कहते हैं कि भाई सही मायने में जो स्थितियाँ थी जिस परिस्थितियों में थे उस दृष्टि से संस्थान से जो अपेक्षा थी और हमने भरसक प्रयास किया हालांकि उन्होंने कहा कि सब कुछ आप ही हैं मैंने कहा ये नहीं है मैं केवल सहायक हूँ मैं तो सहायक हूँ बल्कि सही मायने में मेहनत करने वाले तो आप ही हैं और कई बार आपने देखा हो कृष्ण जी आपके बीच में आते तो कई बार कहते हैं मोक्ष के लिए स्वयं को मरना पड़ता है और उसी को मोक्ष मिलता है जो स्वयं मरता है तो सही मायने में सफलता तो स्वयं तय करता है दायरा तो सफलता का जो मार्ग है वो तो किस कठिन मार्ग के रूप में गया है उसने स्वयं तय किया है तो निश्चित रूप से आपके लिए भी एक मोटिवेशन है कि इतनी विपरीत परिस्थितियां रहते हुए और इन्होंने बार बार आग्रह कहा कि माताजी ने कहा है कि एक बार जरूर आए मैं ज़रूर मुखवाऊँगा निश्चित रूप से मेरा वादा है लेकिन अभी जिन स्थितियों के अंदर आपके जो भाई बहन हैं उनकी भी जिम्मेदारी है इसलिए मैं अभी नहीं जाने की स्थिति में हूँ लेकिन निश्चित रूप से मैं जब भी जोधपुर जाऊंगा निश्चित रूप से घर होके आऊंगा और मिल भी आऊंगा तो मैं सबसे पहले संस्था के निदेशक कृष्ण यादव जी को आमंत्रित करता हूँ वो माला पहनाकर स्वागत करें और साथ में श्री अरुण कुमार शर्मा जी जो संस्था के निदेशक हैं माला पहनाकर स्वागत करेंगे सर का विक्रम सर को कह दो एक फोटो भी बना देंगे आ जाए कृष्ण जी आप भी आ जाए अरुण सर इधर आ जाए साथ ही अच्छा वहीं से टेक्निकल टाइम है मैं भी क्या इतना ज़्यादा चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा हूँ निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन रूप से आप वो वहाँ बैठे बैठे अंदर से ही फोटो भी ले लेते हैं निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रयास और ये अपने स्वयं की जवान से ही बताएंगे किस रूप में तैयारी की है क्या अथक रूप में कैसे मेहनत की है और आज देख रहे हो आज चेहरे पे खुशी है खूब ही खूब खुशी है मैं चाहता हूँ आप सबके चेहरे पे खुशी आ जाइए माँ शारदे को वंदन और मेरे गुरु के लिए जो मेरे भगवान तुल्य रूप में उभरे और मैंने जब भी मेरी एप्लीकेशन लिखी तो सबसे पहले वर्ड लिखा हितोद्वारक और वो आज के दिन में मेरे हितोदारक हैं इसलिए जितनी जोरदार ताले हो सके आपसे उतनी जोरदार गुरु के लिए ताले हो जाए जाएंगे देखो जिस टाइम मैं उस सिचुएशन में था एक यकीनन एक रास्ता दिखाना और गुरु एक वो जरिया है मेरे लिए जिन्होंने रास्ता तो दिखाया ही दिखाया जो रास्ते पे कांटे पड़े रहे थे उनको भी हटा के मेरे को अपनी लक्ष्य की ओर पहुंचाया इसलिए गुरु का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं गुरु संघर्ष और जो बोलते हैं ना सुख और दुख मैंने तो उनको ना एक ही मान लिया कि भाई दोनों एक ही है सिर्फ एक भ्रम है अपना कि भाई सुख कब आएगा दुख कब आएगा तो ये एक भरम है जबकि सबसे बड़ी बात है गुरु ने ना मेरे को इतना ज़्यादा परिपक्व इंसान बना दिया मैं एक, -एक उदाहरण को याद है जब गुरु है ना अरस्तु का उदाहरण देते थे जब गुरु वो ट्राइंगल के माध्यम से एक बताते कि सिलेबस कैसे याद किया जाए कौन कौन से भाग को महत्व दिया जाए और जब वो बुगले की कहानी बताते थे तो दिमाग इतना उस टाइम में आपकी अवस्था में था और ऐसा लग रहा था मेरा क्या होगा मतलब ऐसा सोच बना आज के दिन की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी लेकिन गुरु ने जो जो बात बताते तो वो मैं ना गुरु को वापस लिख के भेजता कि मैं आज इतना मोटिवेट हुआ हूँ और आज इतना पढ़ रहा हूँ मैं तो मतलब लेकिन गुरु रेस्पॉन्स नहीं देते थे फिर मेरे को लगता है एक दिन जा के कि एक उम्मीद है इन्होंने मैसेज आने का जो किया था कल आज सुबह देखा है मैंने और सुबह इन्होंने कल ही पूछा था मैं कितनी बजे आ जाऊंगी मेरे को नहीं पता है जयपुर आ गए थे लेकिन मैंने सुबह देखा कि आप आ जाओ जब जयपुर आए गई तो पूछने की जरूरत नहीं <laughs> अब मैं थोड़ी और बात करता हूँ आपसे जो गुरु ने मैटर दिया वो गुरु के अथक प्रयास का परिणाम है कि गुरु ने एक इतने बड़े संग्रह को एक छोटे के रूप में आपन को दे दिया और उसी को पढ़ के मैं अब जो जो एग्ज़ाम क्लियर किया वो बता रहा हूँ मैंने लैब असिस्टेंट के अंदर जोधपुर के अंदर फर्स्ट रैंक और ऑल राजस्थान ट्वेंटी रैंक हासिल की <प्राँगा> उसके बाद मेरा के वी कॉल हुआ और अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है उसके बाद मैंने रीट लेवल टू के अंदर मैथ्स सॉरी ये इंग्लिस और एस एस टी दोनों में मेरा चयन हुआ और अभी है ना जैसे आर पी सी स्कूल लेक्चर के माध्यम से हो रही है और एन एस का एग्जाम हुआ वो मेरे को पता नहीं था हवा हवा हमें पेपर दे दिया लेकिन उसी में है ना इंग्लिस में मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया लेकिन अस्सी में से सेवेंटी फाइव क्वेश्चन मेरे जोग्राफी से राइट थे तो गुरु एक चीज़ है जब गुरु बताते हैं रिवीजन कैसे करना उसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो करना गुरु ने सप्ताहिक एक रिवीजन की पाठशाला के दौरान बताया भी था तो उसको भी फॉलो करना और मेरा एक छोटा सा है कि भाई यदि आप भी ऐसा करते हो तो गुरु की जो बुक निकाली थी गुरु ने वो मेरे को एक घंटे में याद हो गई आज के दिन में यदि एक घंटा देख लूँ तो वाक्य बुक याद है उसका ये है कि आप डेली के दस पेज पढ़ते हो कि आज दस दस पेज पढ़ लिए मैंने तो अगले दिन दस पेज पढ़ने के बाद अगले दस पेज पढ़ने हैं और इसी क्रम को जारी रखना है या फिर आज एक लेसन पढ़ लिया अगला दूसरा लेसन पढ़ने से पहले वापस पहले वाला लेसन पढ़ना है और इस क्रम को जारी रखना है आप यकीन नहीं मानेंगे अपन के फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर सेवेंटी एट टॉपिक हैं छोटे मोटे और सेवनटी एट वे दिन आपको पूरी बुक मुंह पे याद हो जाएगी और सर ने जी तक कार्टोग्राफी करवाया ना उसका राजस्थान में कोई विकल्प है ही ना होगा ये मेरा वादा है मैं अभी भी कार्यत हूँ जहाँ पे बच्चों को समझाता हूँ वगैरह तो बस गुरु की किताब लेके बैठ जाता हूँ उसके बाद बाहर कोई है ही नहीं है तो यही मेरा मूल मंत्र है था बाकी सब गुरु की कृपा रही मेरे ऊपर और आज का दिन है और आज हमारे एग्ज़ाम की एनिवर्सरी भी हो गई लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली पंद्रह अक्टूबर को मेरा एग्जाम था और आज पंद्रह अक्टूबर है सॉरी कल होने वाला ना तो सॉरी है ना बाकी मेरे साथ जो घटना घटी थी संक्षेप में बता दो सर ओके ओके संक्षेप में घटना ये है दो कहानियां बताता हूँ शोर्ट में जब लेब असिस्टेंट का सिलेबस जारी होता है और मैं मेरी तैयारी के दौरान होता हूँ मेरे सामने मेरे भाई साहब बैठे रहते हैं मैं सी पे बैठ रहता हूँ और जब सेलेबस आता तो है तो मैं बोलता हूँ पेपर फाड़ दूँगा ऐसा नहीं फाड़ना ऐसा तो मैं एग्ज़ाम के दौरान बस में बैठता हूँ बस में बहुत सारी मतलब सामान्य तो जो सीटें होती हैं उसकी तीन गुना भरी जाती है और होता ये है कि मेरे को एक अंदर से विश्वास आता है सब बाहर होंगे अंदर से बिलीफ आ रहा है और जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचता हूँ तभी तो मेरे को यही बिलीफ होता है कि सब बाहर होंगे और जब मैं एग्ज़ाम देने बैठता हूँ तो डेढ़ सौ में से एक सौ तेयलीसवा क्यूशन करने लगता हूँ तो पसीने की बूंदे दो चार ओम आर पे गिर जाती है मैं इनका अब तो बान अपने आप से भी नहीं चलेगा अब नहीं सिलेक्शन हुआ तो मतलब ही नहीं तो दस मिनट में बैठे रहता हूँ बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है उस दौरान मेरे को मेरा क्या होगा वगैरह वगैरह पेपर बहुत अच्छा जाता है और फिर साँस सवाल करता हूँ और अंतिम तौर पर भगवान की दया से गुरु की कृपा से सिलेक्शन हो जाता है और जब पंद्रह तारीख को फर्स्ट ग्रेड का प्रथम पेपर था हमारा तो पेपर मेरे अनुसार ठीक गया लेकिन फिर भी है ना जो मेरे को आ रहा था ऑप्शन नंबर दो करना था अचानक तीन पे बिंदी लग गई थी और मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया और पसीना पसीना हो गया मैंने कहा अब क्या हो रहा है फिर भी मैंने थोड़ा देरी रखा दो मिनट बैठा सोचा फिर मैथ्स के क्वेश्चन के बाद में और पूरे में से पूरे करने की कोशिश की लेकिन सेवेंटी टू ही कर पाया और मेरा कट कटा के स्कोर फिफ्टी थ्री पॉइंट थर्टी एट बने थे और फिर अब घटना शुरू होती है जो मेरे हिसाब से आप सबको नहीं करनी है मैंने गलती कर दी उस दिन मैं जो ही घर पे आता हूँ साढ़े बारह बज जाते हैं और पढ़ने बैठ जाता हूँ मेरी जीजी बोलती है आज सोना मत तू पढ़ना और रात को ताकि अभी सोएगा तो रात को नींद नहीं आएगी मैं उनकी बात मान लेता हूँ और एन की छः बुकों को मैं शाम छः बजे तक रिविज़न कर लेता हूँ उसके बाद बुक उठाता हूँ तो मेरे ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है सर दर्द जोरदार नींद लेने की कोशिश करता हूँ नींद आती नहीं मेरे को डोलो 650 सुना है मैंने दो खा ली थी लगातार बट मेरा कोई असर हुआ ही नहीं मतलब इतना टेंशन हो गया और जब भी मैं वो मेट्रो देखूँ वो मेट्रो देखूँ चाहे कुछ भी देखूँ सब ऐसा लगे कि सब भूल गया कुछ आ ही नहीं रहा है अब मैं हालात बहुत गंभीर होती जा रही मेरी नींद भी नहीं आ रही पूरे दिन रात को अब रात को दो बजे मैं सिस्टर को कॉल करता हूँ तो बोल मेरे को ना हक्का करें कि तू सोजा नहीं तो हम कल के सो ही के तू बट आगे जान तो वो भी घटना घटती है फिर मेरे को लगता है घर वाले ही ऐसा बोलते क्यों पहले पढ़ डॉन फिर <laughs> ऐसे बोलते हैं सोजा फिर सुबह मैं जाता हूँ एग्ज़ाम देता हूँ लेकिन मेरे को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उल्टियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी जब पेपर आता है मेरे पास पूरे तीन घंटों का पेपर मैं दो घंटे में कह कर करके बैठ जाता हूँ और एक अंदर से आवाज़ आती है मैं अपने भगवान की ईश्वर की जय बोलूँ गुरु को याद करता हूँ उस टाइम अंतरात्मा से और ऐसी फीलिंग आती है जब मेरे पर्यवेक्षक वो थे मैंने पूछा कि आप कौन क्या हो वो बोले मैं सेकंड ग्रेड हूँ मैं अपने आप हाँ से बोला मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ तो हालात ऐसे हो गए थे तो ये मेरी कहानी थी बाकी सब चीज़ें जो गुरु ने बताई वही मैंने फॉलो कर रखी है बाकी आप कुछ पूछ सकते हो मेरे तीन सौ सैतीस पॉइंट थे फिर बाद में क्या सब्जेक्ट में एक सौ पंद्रह पॉइंट बयालीस मैं तो यही चाहता हूं कि आप सब इस योग्य बने ईश्वर आपको इस योग्य बनाए ताकि आप सभी याद आ पाए और निश्चित रूप से आप की बार सिलेक्शन भी इतने अधिक हैं इतनी संख्या में हैं तो मैंने इसलिए कहा कि ये विद्यार्थी का किसी न किसी रूप में मन रहता ही है मैंने आपको पहले दिन भी कहा था तो कहीं ना कहीं रहता है कि भाई चलो मैं एक बार तो होके ही आऊँ अब जोधपुर से जो आदमी चल के आया है वह कोई विशेष ओकेजन से जोधपुर जाता था और स्पेशली जोधपुर से आ जाता है आदमी तो अब उन परिस्थितियों में मेरी भी स्थितियाँ और आपके बीच में बार बार जो रहता है लाने का उद्देश्य है कि आप देखें कि आपके बीच की परिस्थितियों के विद्यार्थी हैं और कितना कठिन संघर्ष के रूप में किया है पिताजी नहीं है माताजी के माध्यम से परिवार चल रहा है उस परिस्थितियों में और लैब असिस्टेंट जो तैयारी की उसमें जोधपुर के अंदर प्रथम रैंक है तो एक निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति पढ़ने के प्रति तो समर्पण भाव रहा ही है आपको ध्यान हो तो एक दिन सुखवीर सर आपके बीच में बोल रहे थे कि मैं तो ये कहता हूँ मैं उसको जुनून कहता हूँ लेकिन उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा कि आप में पागलपन आ जाना चाहिए यानी हद से भी ज्यादा किसी काम को करने के प्रति जो अपनी लगन हो जाती है जिसको पागलपन का रूप कह दें जुनून कह दें वही जुनून इनमें था और तभी अपना खुद का विश्वास आ जाता है कि अपन ऐसा कर पाएंगे हाँ बताओ क्या कह रहे थे भूगोल में कुछ और पढ़ा है क्या हाँ बता तो मैं बोल दूंगा अपन के जो राजस्थान

बाकी अपने जो डाल रखा था यूनिट वाइज टेस्ट थे टेस्ट सीरीज थी भूगोल में तो बहुत से प्रश्नों की संख्या थी वो सभी ऐप में डाल रखा था और ऑफलाइन भी थी ऑनलाइन भी थे और कोई तो अब मैं हाँ, हाँ। देखो आप सबको है ना ये लग रहा होगा जब क्लास चलती है या फिर आप गुरु को किसी भी माध्यम से सुनते हो आपको जब तक विश्वास नहीं होगा जब तक आप इस स्टेज पर नहीं आ जाते लेकिन एक चीज़ सोच लेना गुरु के ऊपर हंड्रेड परसेंट आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो और जब विश्वास कर लिया उसके बाद घबराना नहीं कि गुरु क्या पढ़ा रहे क्या नहीं मैं रहना उसके बाद भी कोई लिमिट होगी क्या गुरु ने पढ़ा लिया वो पढ़ लिया आज मैं बोल रहा हूँ आगामी दिनों में आपका चयन हो जाएगा बस गुरु के ऊपर विश्वास रखना तैयारी के दौरान होता है कि अपन किसी पे विश्वास नहीं करते अपन अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा रखते हैं ये सब में पाया जाता है मेरे ऊपर भी ये था लेकिन भूगोल अथा है कहाँ तक तो पढ़ोगे लेकिन जब गुरु ने जितना पढ़ाया उतना मैंने पढ़ लिया और जब मेरे को लगा ये एग्ज़ाम निकल गए मेरे तो जरूर आप इस बात से विश्वास रख लो कि जितना गुरु आज पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ लो बस बाकी सिलेक्शन हो जाएगा सबके धन्यवाद के तौर पे मैं कृष्ण जी को भी आमंत्रित करता हूँ कैसे सकल जानवर जैसी है क्या तो अच्छे लोगों पे आती है क्या किसी ने तो अच्छा माना चलो क्या हाल है भाई मस्त हाँ मैं ना भाई साहब जब बोल रहे थे तो बहुत आराम से सुन रहा था जो वहाँ बैठ के तुम सारे ना ऐसे सोच रहे थे अब जल्दी हम यहाँ खड़े हो जाएंगे ना तो कल से नवरात्रा स्टार्ट है मैं तुम्हारे लिए नवरात्रा भी रखूंगा तुम्हारे लिए रखूंगा स्पेशल और माता जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम सारे यहीं जाओ आओगे ना, ना। वादा ना। वो कहते हैं ना कि युद्ध में लड़ने से पहले मन में लड़ना पड़ता है मन के हरे हरे मन के जीते जीत जी जाओगे कर दोगे फतेह भाई साहब की तरफ पार दोगे पेपर को पक्की बात है चलो धन्यवाद और भाई साहब आपकी भी अगर शुभकामनाएं इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने आप दे तो बधाई तो अग्रिम मैंने तुम्हें पहले दे दी नहीं दी क्या दी है ना तुम्हें बधाई पहले दे दी ना तुम मिठाई खिलाने जरूर आ जाना बस आ जाओगे ना फिर फोन करके ये कहना कि हम आ गए हैं और एक बार सारे साथ आना कोई प्रोग्राम बना के कि उसी दिन चलेंगे ना रोज रोज हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा समय खराब हो है ना कल लोग कर रहे थे चर्चा कि रोज रोज रैंक से बुलाते हैं हमारा बुलाने का कोई उद्देश्य नहीं है समझ रहे हो ना कि हमारा तुम सोचते हो तुम्हारा टाइम खराब हो जाए मैं भाई साहब को भी कह रहा था लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जैसे ही लोग हैं ये भी आप जैसा ही मैं हूं है ना रिक्स लो तो बड़ी लो नहीं तो लो ही मत कोई भी काम करो तो भाई साहब कहते हैं सौ परसेंट करना चाहिए तो मैं जो भी काम करता हूँ सौ परसेंट ही करता हूँ तुम सौ परसेंट ही करो और वो गाना भी है ना आज से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना <laughs> आज से ज्यादा प्यार करना किताबों से ठीक है कर लोगे चलो और अरुण सर को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि <laughs> पुनः गजेंद्र जी का संस्थान की तरफ से और आप सबकी तरफ से बहुत ही बहुत बधाई और शुभकामनाएं ये जीवन में ऐसे ही उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं और आकाश भी इनके लिए छोटा पड़ जाए और जिस दिन स्कूल लेक्चरर का जैसे ही एग्जाम हो गया था उसके बाद मेरी बात हो गई थी इनसे उस दिन के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स को भी पढ़ दिया होगा शायद हाँ पढ़ भी दिया है पूरा कोर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों ही जो दो पेपर चला रखे हैं ऑनलाइन के रूप में फर्स्ट पेपर भी सेकंड सेकंड पेपर तो पिछली बार भी शुरू कर लिया था फर्स्ट पेपर अब की बार किया है और उसमें केवल आपकी क्लासों के अलावा ही समय रहता है उसको पढ़ाने के लिए लेकिन उसको मैंने जो टाइम के अंदर मैनेज करके किया है उसको सबको गजेंद्र जी ने अभी पहले पढ़ भी लिया है इसका मतलब इनको पर्याप्त समय भी मिल गया है रिविजन की दृष्टि से भी और साथ में अपने लैब असिस्टेंट के अंदर नौकरी करते हुए और समय को निकालते हुए बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं तो एक व्यवस्थित है एक व्यवस्थित तरीका है और यही तरीका होना चाहिए कहते जीवन में व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहे व्यस्त रहना तो है ही अच्छा मैं भी 24 घंटे व्यस्त हूं आप भी 24 घंटे व्यस्त हैं हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से बैठ सकते हैं मानसिक रूप से जरूर व्यस्त हैं लेकिन अपन प्रयास करें एक शेड्यूल हो एक निर्धारण हो और एक सटीक रूप में अपन तैयारी करें आज आपके लिए जो काम है ना वो है सफलता लेने के लिए और मेहनत करके इस नौकरी को पाने के लिए अभी आपको भूगोल का विद्वान बनने की जरूरत नहीं है कई बार विद्यार्थी गलती क्या करता है विषय बहुत गंभीर है विषय को जीवन भर पढ़ते रहेंगे अपन भूगोल के विद्यार्थी रहेंगे कभी समाप्त तो होने वाला नहीं है लेकिन अभी अपना जो टारगेट है वो विषय को लेकर इतना ही है जिससे अपन इसको पार कर पाएंगे क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है और भी साइकोलॉजी का पार्ट भी तैयार करना है और जिससे मैं मानता हूँ कि गजेंद्र जी जब बीसवीं रैंक पे आए हैं तो निश्चित रूप से आप भी मैं मानता हूँ अंदर सौ रैंक का लक्ष्य जरूर लेकर चलें कि टॉप हैंड्राइड में तो आए ही आए और आप में से एक नंबर रैंक का भी कोई कमिटमेंट करता है तो मैं नहीं रोक रहा हूं आप कर सकते हो लेकिन कम से कम आप ये सोच के चले कि मैं अंडर हंड्रेड रैंक का मैं अच्छे ढंग से प्लानिंग कर पाऊं क्यों कर पाऊं क्योंकि अभी स्कूल लेक्चर का एग्जाम नहीं है और अभी मैं गजेंद्र जी से भी अपेक्षा करता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत अच्छी रैंक देंगे क्योंकि अभी इनको पर्याप्त समय मिल जाएगा पुनः आप सबकी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन पांच मिनट में मैं आपके बीच में आ। <laughs>